बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम्स में हम रियल प्लेन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल प्लेन, या फिर आप उसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। रियल प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है और किस तरह से इसको देखा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से जो है इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, रियल प्लेन को समझाना चाहूँगा कि सपोज़ हम कहते हैं कि कोई भी एक चलें इलाका ले लेते हैं, कोई सिटी ले लेते हैं, ठीक है। कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है एक यहाँ पर, चलें मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं कहूँगा कि ये इस्लामाबाद का इलाका है। इसको थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में हम इसे ले आते हैं। ये हमारे पास एक इलाका हो गया, या एक सिटी आप कह सकते हैं, इस्लामाबाद कह सकते हैं, ठीक है। ये एक इस्लामाबाद शहर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो अब मैं किसी और को समझाना चाहूँ, कोई और बंदा यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद में ही है वो, तो मैं उसको अपनी लोकेशन समझाना चाहूँ तो मैं किस तरह से उसको बताऊँगा कि मैं इस्लामाबाद में कहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, किस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ या किस पोजीशन पे हूँ मैं। तो मैं किसी और को समझाना चाहूँ किस तरह से समझाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इलाका है। मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा जी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद में कहीं मौजूद होगा, तो उसको किस तरह से मैं बताऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को आसान करने के लिए इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस्लामाबाद को जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया जाए। मैं एग्जैक्टली वही सेक्टर्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि सपोज मैं कह रहा हूं कि इस एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है लाइन, इससे मैंने जो है इसको दो सेक्टर में या दो हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कहूँगा कि ये जो है इस लाइन ने इस्लामाबाद को या इस इलाके को या इस जो है एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम कह देते हैं, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है जी अपर हाफ प्लेन, हम इसे कह देंगे, ठीक है, अपर हाफ प्लेन, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे मतलब के इलाका बन रहा है, फिर उसको हम लोअर हाफ प्लेन कह देंगे, लोअर हाफ प्लेन। इसको हाफ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैंने मिड में ड्रॉ की है, ठीक है, और इस मिड में ड्रॉ करने से हमारे पास जो है ये दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक अपर हाफ प्लेन में, ठीक है, एक लोअर हाफ प्लेन में। पहले ये एक ही प्लेन थे, ठीक है, मतलब कि एक ही प्लेन था ये, तो इसको हमने अपर हाफ और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर लिया, किसके जरिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए। अब हम एक ऐसा काम करते हैं, अभी भी मैं देखूं तो मैं उसको अपनी पोजीशन समझाना चाहूं, अभी वो भी अपर हाफ प्लेन में है, ये मैं भी अपर हाफ प्लेन हूं, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, उसको मैं अपनी पोजीशन किस तरह से समझाऊंगा कि मैं कहां पर मौजूद हूं। अब मैं कहूंगा कि मैं तो अपर हाफ प्लेन में खड़ा हूं, वो कहेगा मैं भी अपर हाफ प्लेन में खड़ा हूं, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं सक रहे, ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं सक रहे कि हम कहां पर मौजूद हैं। तो मज़ीद हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद हम सेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। सपोज़ मैं एक एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसको भी हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि एक अच्छी फिगर हमारे सामने आए। लें जी, ये हमारे पास जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अब देखें आप, तो ये क्या बन गया कि अगर आप इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन बन जाती है, ठीक है, जो कि इन दोनों को आप मिला के बनेगी, राइट राइट साइड पे आप देखेंगे ना, तो राइट हाफ प्लेन। ये वर्टिकल लाइन भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करिए, तो हम इसे कहेंगे ये वाला जो प्लेन बन रहा है ये कंप्लीट, ठीक है, इस वर्टिकल, अगर आप इसके इररिस्पेक्टिव देखें, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से ना देखें, बल्कि सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट से देखें, तो ये हमारे पास लेफ्ट
हाफ लेफ्ट नहीं बल्कि राइट बनता है ये, ठीक है। लेफ्ट तो दूसरी साइड पे बनता है, इसको हम लिखते हैं राइट हाफ प्लेन। इसी तरह से इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे आप अगर देखें तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब आप देखें तो थोड़ा सा मतलब कि इजी हो रहा है आस्ता आस्ता कि मैं उसको अपनी पोजीशन समझा सक रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और दूसरा पर्सन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं उसे कहूँगा कि मैं जो हूँ वो राइट हाफ प्लेन में मौजूद हूँ, राइट हाफ और अपर हाफ प्लेन में मौजूद हूँ, ठीक है। मतलब कि आप राइट और अपर हाफ प्लेन को अगर आप देखें तो ये प्लेन बनता है, ठीक है। अब इन दो लाइंस ने इसको जो है चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये क्वाड्रेंट वन इसका नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कह देते हैं, ठीक है। इसको हम थर्ड कह देते हैं, नंबरिंग कर रहे हैं ना क्वाड्रेंट के, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कह देते हैं। यानी कि चार बराबर हिस्सों में इस प्लेन को डिवाइड कर दिया दो लाइंस ने, दो परपेंडिकुलर लाइंस ने। ये दो, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस ने इसको, इस पूरे प्लेन को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और चार बराबर हिस्सों में किया इसलिए हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, चार को क्वाड्रेंट कहा जाता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमने कह दिया, इसको नाम हमने सेकंड क्वाड्रेंट रख दिया, नंबरिंग कर दी हमने, ठीक है, चार क्वाड्रेंट्स बन गए। अब देखें तो थोड़ा सा इजी हो गया समझाना कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हूँ और वो कहेगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हूँ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी अभी आप देखें तो बहुत ही बड़ा है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ जाता है फिर भी जो है पोजीशन समझना मुश्किल होगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि मैं कहूँ कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हूँ। अब हम इस तरह से करेंगे कि मैं कहूँगा कि इसको हम मज़ीद जो है डिवाइड कर लेते हैं। सपोज़ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक और मज़ीद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इसको मज़ीद हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर देता हूँ। थ्री लाइंस मैंने ऊपर लगा दी हैं, थ्री लाइंस मैंने नीचे लगा दी हैं, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रेट भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है फिगर अच्छी बन जाए और देखने में भी अच्छे लगे और समझने में भी आसान लगे। ये हमारे पास आ चुकी है एक लाइन, ठीक है। उसके अलावा इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं, इस तरह से ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लें ताकि समझना जो अच्छी फिगर बन जाए, ठीक है। अब आप इस सारी की सारी में लाइंस को जो है स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये भी स्ट्रेट हो चुकी है, इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। एक और लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे, क्योंकि तीन लाइंस मैंने ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल लगाई हैं और दो नीचे बन गई हैं। अब हम इसको जो है तीन लाइन से डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, अब देखें समझना मज़ीद आसान हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम मैं कहूँगा कि इस इतना अपर मैं, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का है, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है मेन लाइन से 1 किलोमीटर का अपर डिस्टेंस है, और मज़ीद ऊपर जाएं तो फिर एक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, ठीक है। और उसके बाद हाफ किलोमीटर यहाँ से बनता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पास राइट हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बनता है उसमें मैं ऊपर की साइड पे या वर्टिकली अपवर्ड साइड पे मैं 2.5 किलोमीटर जो है ऊपर मौजूद हूँ, ठीक है। तो लेकिन राइट कितना मौजूद हूँ, मैंने तो सिर्फ अपर साइड बताई है, लेकिन आप देखें तो उसने राइट साइड पे भी तो आना है, ऊपर की तरफ से चले वो आ जाएगा, अब उसके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन राइट साइड पे आना या उसको पोजीशन को समझना मुश्किल बन रहा है, क्योंकि ये भी 2.5, ये अगर पूरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ
ये बनती है जी, ये पॉइंट मैं कहूँ ये भी जो है, ये पॉइंट भी 2.5 किलोमीटर अपवर्ड है, ये पॉइंट भी 2.5 किलोमीटर अपवर्ड है ये मेन लाइन से, ठीक है। इसको मैं मेन लाइन कह रहा हूँ, इसे रेफरेंस लाइन इसको कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। अब हमने स्पेसिफिकली ये पॉइंट बताना है, यानी कि अपनी पोजीशन मैंने स्पेसिफिकली ये बतानी है, तो मैं कितना राइट पे हूँ। अब राइट पे डिसाइड होगा ना, क्योंकि हमने अपवर्ड पोजीशन या वर्टिकल डिस्टेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बनता है वो तो अभी हमने नहीं बताया। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको वर्टिकल लाइन से भी डिवाइड करते हैं, वर्टिकल लाइन से भी डिवाइड करते हैं। चलें फर्स्ट लाइन ये बना देते हैं, ठीक है, सेकेंड ये बना देते हैं, थर्ड वन ये बता देते हैं, उसके अलावा फोर्थ वन ये बना देते हैं। तो चलें हम इसको भी यानी कि स्ट्रेट लाइंस बना देते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट वर्टिकल हो गई, ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद सपोज ये मैं कहता हूँ ये जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, ठीक है। उसी तरह से मजीद उतना ही डिस्टेंस रख के मैं दूसरी लाइन रखूँगा, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर ये बनता है। उसके बाद इस लाइन को भी मैं वर्टिकली स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 किलोमीटर्स बन जाता है, ये 3 किलोमीटर्स बन गया। उसके अलावा अब इसको उठा के हम जो है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ताकि लेफ्ट साइड को भी हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ इसको, ये बन गया। उसके अलावा और मज़ीद हमें जो है इसको वर्टिकल लाइन से डिवाइड करना पड़ेगा, दो मज़ीद मैं लाइंस और लगा देता हूँ और इनको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि हमारी फिगर अच्छी बन जाए, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने वर्टिकल लाइन बनाना है, तो ये वर्टिकल होगी, ये भी वर्टिकल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें, अब सेक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं मौजूद कहाँ था, मैं मौजूद था जी यहाँ कहीं पर, यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। अब मैं उसको समझाना चाहूँ तो मैं किस तरह से अपनी पोजीशन समझाऊँगा, कि आप जो है जहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ से आप अगर 0.5 ये लें, ठीक है, 1.5, या फिर 1.5 के बाद आ जाता है 2.5, 3.5, 4.5 एंड हाफ और लें अगर, तो 5 किलोमीटर्स बनता है, ठीक है। आप 5 किलोमीटर जो है राइट साइड पे आए, मतलब इस तरह से डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर्स बन रहा है, 5 किलोमीटर्स राइट साइड पे आए, और फिर अपवर्ड आप कितना आएंगे, अपवर्ड आप आएंगे 1 किलोमीटर, हाफ ये बनता है और हाफ ये बनता है, ठीक है। इस तरह से पोजिशन में मुझे बताना आसान हो जाएगी। या फिर आप अगर मतलब उसे नहीं बता कि दूसरा बंदा कहाँ पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि आप ओरिजिन पर आएँ, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट इसको कह देते हैं हम, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में मौजूद है। उसके अलावा ये दो लाइन्स, जिन दो लाइन्स के कट करने से बन रहा है ओरिजिन पॉइंट, उस इन दोनों लाइन्स को हम रेफरेंस लाइन्स कह देते हैं, ठीक है। इसको मैं वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहूँगा, ठीक है, और नेगेटिव साइड पे आने के लिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहूँगा। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे जाने के लिए ये नेगेटिव एक्स है। तो एक्स वाई लाइन जो है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइंस हमने कंसिडर कर ली इनको। उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि आप ओरिजिन से आएँ, ठीक है, ओरिजिन पे आएँ, ओरिजिन से आप आएंगे 1, 2 एंड 0.5, ठीक है, 2.5 किलोमीटर्स आप राइट साइड पे आएंगे, और फिर उस जब 2.5 किलोमीटर्स आप राइट साइड पर आ जाएं ओरिजिन से, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपवर्ड आप मूव करेंगे, ठीक है। अपवर्ड कितना आपने मूव करना है, 0.5, बल्कि 1, 2 एंड 2.5, इस तरह से आपने डिस्टेंस कवर करना है, और फिर आपके पास ये मेरी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे अपनी पोजीशन उसको डिस्क्राइब कर दी। तो पहले बताना, अगर सिंपल एक खाली प्लेन थी तो उस तरह से मुझे समझाना मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल बन रहा था, ठीक है। तो अब मुझे बताना बहुत आसान हो गया अपनी पोजीशन को, मतलब किसी भी पॉइंट की। अब आपको ये बात समझ आएगी इस एग्जाम्पल से कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना, ठीक है, ये एक प्लेन में उसकी पोजीशन बताना, या टू डायमेंशनल प्लेन आपके पास मौजूद है तो उसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना आसान हो जाता है, अगर आप उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दें तो। अच्छा, ये तो चलें हो गया। अब हम इसको यानी कि ये तो इस्लामाबाद को हमने एग्जांपल लेकर हमने समझा, तो अब हम इसको एक मतलब के प्रॉपर एक बना लेते हैं,
ग्राफ बना लेते हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है या फिर इस रियल प्लेन है, ठीक है, और उसमें प्लेन की या पॉइंट की जो है लोकेशन बताना किस तरह से बताई जाती है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो रेफरेंस लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, इसको मैं वर्टिकल स्ट्रेट कर देता हूँ, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हम कह देते हैं कि इसको, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी मैं स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ग्राफ जो है वो अच्छा बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लाइंस हैं, और जिनको जिनका नाम हमने क्या रखा था, ये वाई एंड वाई डैश, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे अपवर्ड अगर आप जाएँ तो पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव साइड पे आप आएँ तो वो यानी कि लेफ्ट डाउन साइड पे आप अगर आएँ तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन की आप जब बात करेंगे उसकी उसका नाम हम एक्स एक्सिस हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे अगर आएँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके अलावा हमने क्या बात की थी कि क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने इसको कहा था फर्स्ट, और इसके अलावा इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा था, इसको थर्ड कहा था, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा था। और क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने के अलावा हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया था कि हमने इसको यानी कि मजीद सेक्टर्स बनाए थे। हम इसको यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर वन मैं कह दूंगा, यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस आपने रखना है, थ्री, उसी तरह से फोर, इसी तरह से ये फाइव, ठीक है। जिस तरह से नंबर लाइन नहीं थे हमारे पास रियल लाइन, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल ये सिंगल लाइन है। इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने टू डायमेंशनल कर लिया इसको। टू डायमेंशनल किस तरह से किया है कि वर्टिकल लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आप नेगेटिव साइड पे आए तो -1 सेम डिस्टेंस रख के -2, और फिर से सेम डिस्टेंस -3 -4 एंड -5। और अब हम ये तो एक सिंगल लाइन अगर आप देखें तो ये रियल लाइन बनती है, लेकिन आप वर्टिकल लाइन को भी साथ में इसके मिलाएं तो चलें इसको भी हम नंबर कर देते हैं +1। हमने बात की थी ना कि अपवर्ड अगर आप जाएं तो पॉजिटिव है वाई, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव से नीचे डाउन साइड पे आएं तो ये नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि -1 -2 -3 एंड -4। तो ये हमारे पास प्लेन बन जाती है। तो आसानी हमने क्या देखी थी कि मैं कोई एक पॉइंट अब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट मौजूद है, ठीक है। अब ये पॉइंट मौजूद है तो इसकी पोजीशन मैंने बतानी है। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स ना ड्रॉ करता, एक्स और वाई एक्सिस ना ड्रॉ करता, तो मैं इसकी पोजीशन बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स आए, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है और पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो ये 2 के साथ मैच कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली आप अगर देखें तो ये वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अब हमें पोजीशन बताना बहुत आसान हो गया कि राइट साइड पे हमने कितना जाना है, अपवर्ड हमने कितना जाना है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा पी पॉइंट, हम इसे कह लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से किसी और अगर जनरली बताना चाहें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, यानी कि इन क्वाड्रेंट्स को आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कहेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। उसके अलावा आप वाई एक्सिस की अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि एक्स के पॉजिटिव होने या वाई के पॉजिटिव होने या एक्स के नेगेटिव और वाई के नेगेटिव होने का की रिस्पेक्ट से आप भी बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। उसके अलावा यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते हैं, राइट हाफ प्लेन बनाते हैं, राइट हाफ प्लेन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट मिलके जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन बनाते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर आप देखें तो थर्ड और फोर्थ प्लेन मिलके क्या बनाते हैं, वो लोअर हाफ प्लेन बनाते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन बनाते हैं। और इसी तरह से सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते हैं, अपर हाफ प्लेन में आते हैं, अपर
हाफ प्लेन, मतलब कि अगर आप प्लेन के हिसाब से बताना चाहें, हाफ प्लेन्स के हिसाब से बताना चाहें, तो ये पॉइंट अपर हाफ प्लेन में मौजूद है। अगर आप राइट या लेफ्ट हाफ प्लेन के हिसाब से बताना चाहें, तो ये राइट हाफ प्लेन में मौजूद है। अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से बताना चाहें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है पॉइंट, ठीक है। और आप एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप बताएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स की पोजीशन 2 और वाई की पोजीशन 3, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या बनती है, 2, और वाई की वैल्यू क्या बनती है, 3। मतलब कि एक्स की पोजीशन आपने पहले लिखनी है और वाई की पोजीशन आपने बाद में लिखनी है, और दरमियान में कॉमा होगा, और उसको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में इसको एक्स एक्स भी कह सकते हैं या फिर एब्सिसा कह सकते हैं, ठीक है। और इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे वाई के कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो मतलब कि ये था प्लेन, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं रियल प्लेन भी कह सकते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, जो भी आप इसका नाम दे दें। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, और ये ग्राफिकली हम किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ में यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने प्लेन को इस लेक्चर में समझा। अब मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से जो है एक प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है।